प्रिय के बाद स्वागत है आपका। लेखकों को किसी की मदद की जरूरत नहीं। गुरुग्राम में लेख बख्शी सिंह ने ये बात कही। उनका मानना है कि लेखकों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं, उनकी लेखनी ही उनके लिए काफी है। आधुनिकता के दौर में जहां युवा शब्दों की जादूगरी से अज्ञात नजर आते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शब्दों को उनके सुंदर मर्म से जुड़ना बखूबी जानते हैं। ऐसे ही एक कवि अपनी कविता के माध्यम से न सिर्फ शब्दों के मर्म को सार्थक बना रहे हैं, बल्कि इस कला को लोगों के बीच फेमस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेखक बख्शीश सिंह अपनी लेखनी से युवा लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका कहना है कि लेखन क्षेत्र में उनका भविष्य सुरक्षित है। आज कुछ ऐसा महसूस होता है कि राइटर तो कहीं नहीं है और ना ही लिटरेचर कहीं है। लिटरेचर भी पीछे है और राइटर अब सिर्फ ये ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में, और मैं किस तरह से अपनी बात कह सकूं और वो बात सटीक हो और ज़्यादातर लोगों को पहुंचा सकूं। ये एक परेशानी सी आजकल राइटर्स में भी है और लिटरेचर में। बख्शीश सिंह के अनुसार एक लेखक को अपनी जीविका के लिए सरकार की मदद की जरूरत नहीं। अगर उसकी लेखनी में शक्ति है तो उसे आगे बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक मानवता है, सुख दुख है, लोगों में भाव है, तब तक भावनाओं को शब्दों में पिरोने का सिलसिला चलता रहेगा। बख्शीश सिंह की कविताएं पूरे मानव समाज के लिए आदर्श जीवन का उदाहरण पेश करती हैं। गुरुग्राम से प्रीति नागपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।